तो वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल अनम फूड एंड ब्यूटी सीक्रेट में आप सबको खुश आमदीद। आई होप आप लोग खुश होंगे जी, अच्छे होंगे और अपने अपने ज़िंदगी के कामों में मसरूफ होंगे। तो जी आज हम बना रहे हैं क्रीमी वाइट सॉस पास्ता, और इस क्रीमी से मज़े वाले पास्ते के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है तो वो बता देते हैं। एक हमने प्याज लिया, उसको ऐसे लंबे वाले साइज़ में काट लिया। चार हरी मिर्चें ली मैंने, उसको बारीक चॉप किया हुआ है, बस ऐसे कटिंग कर लिया है। रफली फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। यहाँ पे एक बड़े चिकन ब्रेस्ट की जो ऐसे बोटियाँ होती हैं ना, मैंने उसको इस तरह लंबी शेप में इस तरह करके उनको काटा है खुद से। और यही शेप आपने शिमला मिर्च की रखनी है। और ये दो शिमला मिर्च थी स्मॉल साइज़ वाली। यहाँ पे मैंने एक कप लिया था ये फ्लेक्स वाला सा, बड़ा मुझे मज़े की इसकी शेप लगी थी। तो ये शेप में हम पास्ता जो है वो बनाएंगे। पास्ता जो है ये देखें, आपने 80% जो है वो गलाना है। ये देखें, मैं थोड़ा सा ये देखें, इतना इतना जो है ना ये टेंडर होना चाहिए। तो ये हमने ले लिया, और लेकिन इसको मैंने पहले से बॉयल किया है, लेकिन आप चेक करें कि ये ज़रा भी जो है वो चिपका हुआ नहीं है। और एक मैंने पास्ता की वीडियो भी डाली थी कि कैसे कुक करना है। ये पास्ता का ना थोड़ा सा पानी था, ये हम कब ऐड करेंगे मैं आपको वो भी बताती हूँ। तो चलें जी इसको बनाना शुरू करते हैं वीडियो को शॉर्ट करते हुए। अच्छा जी, 3 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है, उसके अंदर हमने फ्रेश ये जो अदरक लहसुन रफली सा, मतलब मैंने हाथ वाले वो जो होता है ना पीसने वाला, उसके साथ पीसा है। इसमें आपने ना ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, ठीक है। और इसको थोड़ा सा बस शैलो फ्राई होने देना है। शैलो फ्राई होने के बाद हम इसमें फ़ौरन से जो है वो चिकन डाल देंगे। थोड़ा सा बस इसका कलर चेंज करना है, वो इसलिए क्योंकि आप इसका कलर ज़्यादा करेंगे ना तो वो वाइट वाला जो एक लुक होता है ना पास्ते का वो नहीं आएगा। और साथ में मैं पंजाबी में भी बता दूँगी कि हमने इसको कैसे बनाना है, ठीक है। तो जी असी लिया हुए 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, उन्होंने असी 3 चमचे के उदे असी चंगे तरीके ना तड़फनी मिट्टी ला लेनी है, लेकिन ज़्यादा नहीं लानी। फिर असी एक चिकन की ब्रेस्ट लई सी, असी किचन में चंगे तरीके ना धो के कटिया, शिमला मिर्चा लईया दो वड़ियां वड़ियां तरीके ना, जानवरों दी वांगू उन्हां नू वढ़ लेना टोक लेना, हरिया मिर्चा 4 लईया, 1 प्याज लिया सी, ठीक है। हुण असी इहनू पकाना शुरू कर दिता है। तो पास्ता बाल के असी साइड ते रखिया, कुछ भी नहीं पैना इस च, बहुत कम चीज़ां पैनिया ने। तो नाल नाल असी कुकिंग करांगे, नाल नाल असी तुहानू इंग्रीडियंट्स जिहड़े ने ओह दसांगे की ऐड करना। आ वेखो जदों तुहाडा जिहड़ा अदरक लहसुन है वह इन्ना क तड़फना शुरू हो जाए तो उदों तुसीं की करना कि इहदे विच पा देणियां ने अपनियां किचन दीयां बोटियां, तो इन्हां नूं पा के तुसीं कमा फरा लैणा, ठीक है। आ देखो, ताकि जिहड़ियां बोटियां ने वह नाल नाल फ्राई होंदियां रहन चंगे तरीके नाल, साडा जिहड़ा चिकन है उहदी स्मैल हर चीज़ खत्म हो जाए। हुण तुसीं चिकन नूं उन्नी देर पकाना जिन्ना चिकन इहदा चंगे तरीके नाल जिहड़ा कलर है ना वह बदल नहीं जाता, ठीक है। हुण असीं थोड़ी देर वास्ते इहनूं रेस्ट दे देंगे, तो फिर असीं इहनूं हिला लाँगे घुमा फिरा देवांगे। अच्छा जी, आ वेखो जदों तुहाडा जिहड़ा वे आ मुर्ग पुलाओ टाइप की जिहड़ी एक शै असीं सुटी है, यानी कि जदों असीं कुकड़ी का रंग बदल लैना, कुकड़ी का रंग बदलन दे नाल ही तुसीं इहदे च हरियां मिर्चां जिहड़ियां सुटनियां ने, ताकि इहदा वी इक वधिया जिहा जिहड़ा ओरा हुंदा, इहदा एक टेस्ट हुंदा ना वह ये जड़ा वह चला जाए, ठीक है। आ देख लो, मैं नाल नाल दस रही हूँ ताकि तुम्हें पता लगे मैं किहड़ी शै किहड़े टाइम ऐड की थी। हुण इन्हां नूं फिर असीं पका के थोड़ा देर फ्राई करने हैं। अच्छा जी, ये नाल ही मैं तुम्हें दस दिनी हाँ कि आ देखो अलमराई की जी 250 ग्राम जी असी क्रीम लई है जी असी ये ऐड करनी है। तो अलमराई का ही मैं मोज़रेला चीज़ लिया है जोड़ा कि असी इस ऐड करना है। और बाद इतने पिया वे फाइन हर्ब्स ने ये असी शामिल करने ने, ये नाल ही असी यूज़ करना वे ऑरिगैनो, ठीक है। और इस होर की जाना है, सिंपल ब्लैक पेपर जाना है, तो सॉल्ट जाना है, बस यही स्पाइसेस इस असी यूज़ करने, होर कोई शै नहीं है। अच्छा ये देखें, जब ये सारा कुछ पकना शुरू हो जाए ना उसके साथ आपने ना इसमें प्याज ऐड कर देने हैं, ठीक है। और प्याजों को भी ना हमने इस तरह ब्राउन नहीं करना, तो सब थोड़े से प्याज हो जाएंगे, लास्ट पे हमने शिमला मिर्च जो है वो ऐड करनी है। अभी प्याज इस स्टेज पे इसलिए ऐसे डालें ताकि ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, ठीक है। इसमें यही बस जानी है दो चीज़ें, बाकी आपकी मर्जी है, मतलब स्वीट कॉर्न डाल लें, कैरेट डाल लें, लेकिन वो ना लुक नहीं मज़े की मुझे लगती। बस ये दो चीज़ें जो है ना ये मुझे पसंद है। मैं ज़रा सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ आप उसको ना बनाना बता रही हूँ। ये देखें, जब आपके प्याज जो हैं जी इतने के सॉफ्ट हो जाएँ, तो सॉफ्ट होने के बाद इसमें हमने शिमला मिर्च सूट देनी है जो हमने डंगरों की तरह काट के रखी थी, यानी कि वड्डी वड्डी
एंड जहाँ कटो ना तो आमियां ने तुम गल् करनिया, लेकिन अभी जरा स्टाइलिश जरनेशन से ही सब्जियां भी स्टाइलिश करनी, लेकिन यह वधिया लगेगी जो वो नज़र आएगी ना बहुत प्यारी लगेगी। तो हम तुम इनू भी चंगे तरीके ये सौते करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी ना तुम वैजीटेबल में कुक नहीं करना, ठीक है, नहीं तो इन्हों का कलर खराब हो जाएगा। अच्छा, इस लेवल पे आके आपने इसमें 1 टीस्पून जो है वो ये देखें छोटा वाला 1 स्पून है छोटी सा मेरे पास, तो ये डाल देना। ये देखें जी, इतनी से ना आपने जो शिमला मिर्च है उनको हमने भी इतना सा पकाना है, बस ये देखें इतना सा सॉफ्ट करना है। और ये देखें ना आपके प्याज़ों का कलर बदलना चाहिए, और इसको ना स्लो आँच पर आपने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। ये देखें बस इतना सा कि ये देखें ना सॉफ्टनेस आ जाए, बहुत ज़्यादा खड़ी खड़ी ना दिखें। अच्छा अभी जी हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे, ये जितनी क्रीम हमने रखी थी ना वो सारी इसमें ऐड करेंगे, और क्रीम ऐड करने के साथ ही हमने चीज़ जो रखी है वो ऐड करेंगे। ये 250 जो है वो ml जो थी इसमें क्रीम जो है वो हमने ऐड कर दी है, ठीक है, क्योंकि ये क्रीमी वाइट सॉस पास्ता है तो इसमें ये चीज़ लाजम होगी, ठीक है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे चीज़। अच्छा, चीज़ के साथ सीन ये हुआ था कि वो इतनी हार्ड हुई थी ना, तो मैंने उसको ना इस तरह करके ना तो श्रेड भी क्या किया कि उसको छुरी के साथ काटना पड़ा क्योंकि डी में पड़ी थी। अच्छा जी, ये देखें इस लेवल पे आके आपने इतना स्लो कर देना है ना आँच को कि इसका जो टेक्स्चर है ना वो थिक होगा, क्योंकि वो चीज़ जब डालेंगे तो वो थिक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर आपने ऐड करना है यहाँ पर, अच्छा अभी आपने ऐड करना है यहाँ पे ऑरिगेनो, ठीक है, ऑरिगेनो मैं दे रही हूँ। ये देखें जी, आपने ऑरिगेनो लेना है 1/2 टीस्पून के अकॉर्डिंग आपने देना है, और उसके बाद आपने दे लेना है मिक्स हर्ब्स, वो थोड़ा सा डालिएगा, इनका टेस्ट काफ़ी स्ट्रांग होता है, ठीक है। और ये देखें, उसके बाद आपने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर उसमें ऐड कर देना है। ये देखें, हम सबको ऐड करने के बाद आपने अच्छे से हिला देना है, ठीक है। तो ये देखें आप, अभी ये थोड़ा सा और थिक हो जाए तो उसके बाद ना ये देखें इतना होना चाहिए कि आपके इसको स्पून के ऊपर ना ये सॉस लगनी चाहिए, क्रीम जो है इस कदर ऐसे होनी चाहिए कि वो चिपके, ये देखें इस तरह। तो अभी थोड़ा सा इसको और थिक करेंगे, थिक करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें जो अपना पास्ता है ना वो डाल देंगे। ये देखें जी, अभी हमने जो पास्ता रखा था ना ये इतनी खूबसूरत सी शेप में, अभी उसको हमने ऐसे अलग अलग करके पकड़ के इसके अंदर डालना है, ठीक है। इसको इसलिए अलग अलग करके ऐसे डालना है ताकि ये अगर ऐसे निखरा निखरा ही रहे, और इसकी जो शेप है ना वो बड़ी प्यारी है, पंखुड़ियाँ सी फूलों की, तो ये बड़ा मज़े का भी बनना है। और इसको आपने डाल के अच्छे से हिला लेना है। लें जी, अभी हम इसको हिलाते हैं, इसको अच्छे से अपना जो क्रीम है ना उसके अंदर हमने इसको अच्छे से वो करना है, ये देखें कोटिंग कर देनी है आपने अच्छे से इसकी क्रीम के अंदर। ये देखें इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। अभी ये वाला जो पीस है ना, मैं इसके ऊपर श्रेड करके ना तो इसको थोड़ी देर स्टीम पर रखूँगी ताकि ये मेल्ट हो जाए, एकदम बड़ा टुकड़ा जो है। लें जी, इसको अभी हम ढकते हैं थोड़ी देर के लिए, जब चीज़ मेल्ट हो जाएगी तब हम इसको सर्व कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा जी हम उठा के देख लेते हैं, ये देखें चीज़ जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि थोड़ा टाइम और रखते हैं, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। लें जी, हम ढक्कन चूक के देखते हैं, तो ये देखें जी चीज़ एकदम गायब हो गई है, अब हम इसको सर्व करते हैं। तो मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ, फ्लेम भी बंद कर देते हैं। लें जी, ये देखें हमारा क्रीमी सॉस वाइट वाला जो पास्ता था बन के रेडी हो गया है। ये देखें इतना यम लग रहा है, आप चेक करें, ये एकदम जूसी टाइप का लग रहा है, और लग नहीं रहा बल्कि ये है, और इसकी शेप आप चेक करें बड़े मज़े की लग रही है, शिमला इतनी अच्छी लग रही है। तो यह जी तुम खाना है पकाना है तो रेसिपी नो तुम यूट्यूब के चैनल लाइक कर देना है, सबसक्राइब कर देना है, अपनी दुआओं से याद रखना है, बहुत आसान सी वेखो, तो होटलों वगरू तुम घर बना देना है, बहुत वधिया रेसिपी सी। मिलने नैक्सट वीडियो अपनी दुआओं याद रखियो, थैंक यू।